आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्टर करण वोहरा से, जो बताने वाले हैं अपने नए शो मैं हूँ साथ तेरे से जुड़ी कुछ खास बातें। हाय करण, फर्स्टली स्वागत है आपका जय शो बिजनेस एंड कांग्रेचुलेशन आल्सो न्यू शो के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जानना चाहेंगे नया शो आ रहा है, नया किरदार है, तो क्या है, नर्वसनेस ज्यादा है या फिर एक्साइटमेंट ज्यादा है? एक्साइटमेंट ज्यादा है, नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं जो आप प्ले करने वाले हैं शो के अंदर। मैं सीधा आपको यहाँ ले चलता हूँ, यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा कैरेक्टर है, इसका नाम है आर्यमन बुंदेला। ये कियान है, ये जानवी है। जो स्टोरी है ये बेसिकली ग्वालियर की कहानी है, एमपी के अंदर। तो बहुत ही लड़का जो आर्यमन है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही बिजनेस इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है। ये जानवी है, सिंगल मदर है, और ये कियान इसका बेटा है। अब क्या होता है कि इसकी ज़िंदगी में इसकी माँ इसके लिए सब कुछ है, बाप भी है, माँ भी है। तो बेचारा एक बाप को बहुत मिस करता है, अपने से ज़्यादा अपनी माँ के लिए एक हस्बैंड को चाहता है कि यार इसकी लाइफ में एक आदमी आए जो इसको प्यार करे, इसकी ज़रूरतें पूरी करे, सब कुछ करे, यू नो। बहुत बेचारा बहुत अपनी माँ के लिए बेचारा बहुत सोचता है। आर्यमन बुंदेला है, आर्यमन बुंदेला की ज़िंदगी में है, उसकी ये होती है कि उसके फादर होते हैं और यंग एज के अंदर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो उसको बाहर भेज देते हैं, इंडिया से बाहर, और ये आने नहीं देते। तो बेचारा वो भी परेशान है, उसकी लाइफ में भी एक बाप की कमी है। तो दोनों की ज़िंदगी में देखा जाए, एक बाप एक है जो एक मिसिंग फैक्टर है। तो इसी नोट पर वो आके कनेक्ट होते हैं, और कैसे यह प्रूव करता है कि अप्रूव इन द सेंस करता है कि जानवी तक पहुंचने के लिए आर्यमन को। करण, जैसे आपने कहा कि कहानी ग्वालियर की, तो अगर आउटडोर शूट की बात की जाए तो कैसा एक्सपीरियंस था और कहाँ आपने शूट किया? बॉम्बे में अभी फिलहाल हमने बॉम्बे के बाहर ही शूट किया है फिलहाल। ये ट्राइड की वो ग्वालियर का एक टेस्ट हम लोग दे सकें, जो कई हद तक दिखा भी है। प्रोमो के लिए एब्सोल्युटली हम लोग बैंगलोर गए थे हम लोग। तो भैया, अगर शो की बात की जाए तो प्रोमो तो वाकई में कमाल का है, तो आपको क्या लगता है ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाएगी? एब्सोल्युटली कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आज की कहानी है। सेम ओल्ड रिग्रेसिव कहानियां नहीं है जो हम टेलीविजन पे देखते हैं। तो आज की कहानी है जहाँ ये बच्चा अप्रूव कर रहा है एक इंसान को कि यार तू मेरी माँ से शादी कर सकता है, तेरे को ये चीज़ें करनी होगी। सोया बहुत ही क्यूट वे में। अगर काम की बात की जाए तो सबसे कम वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा को स्टार्स के साथ, और काम करके कितना मजा आया अब तक? बहुत अच्छा। आई मीन इट्स नॉट जस्ट द को स्टार्स, एक शो बनता है बहुत सारे एक्टर्स के साथ में, तो हर एक्टर बहुत अच्छा है, मतलब सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत मजा आ रहा है काम करते हुए, एंड द क्रू सेल्फ, द क्रू के साथ में एंड ऑल, तो बहुत मजा आ रहा है। लास्टली जाते हैं, फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि प्लीज़ 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 हमारा शो आ रहा है मैं हूँ साथ तेरे 29 अप्रैल जी टीवी पे रोज 7:30 बजे, आप लोग प्लीज़ देखिए, एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच करण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।